आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में ऊर्जा राज्य मंत्री सुमेंद्र सिंह तोमर वन महोत्सव कार्यक्रम का आगाज किया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री ने इस मौके पर सभी से पौधरोपण करने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक राकेश गोस्वामी और डीएम महोबा मनोज कुमार समेत बीजेपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने वन महोत्सव कार्यक्रम को पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण बताया है। इसी के साथ ही डीएम महोबा ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से पूर्वजों के नाम पर एक पौधा रोपित किए जाने का आह्वान किया है। मुख्यालय के केंद्रीय विद्यालय में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री समेत सदर विधायक और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर ऊर्जा राज्य मंत्री सुमेंद्र सिंह तोमर ने 5 महिलाओं को पौधे वितरित कर पौधारोपण को बढ़ावा देने की अपील की है। इसी के साथ ही जहां ऊर्जा राज्य मंत्री ने पीपल के, तो सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने अमरूद के पौधे को रोपित कर जनता से ज्यादा पौधारोपण किए जाने की अपील की है। आपको बता दें कि वन महोत्सव कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता समेत जनपद के आला अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान डीएम महोबा मनोज कुमार ने आवाम से उनके पूर्वजों के नाम पर पौधे लगाकर युवा वर्ग को जागरूक किए जाने की मांग की है। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। यहाँ पर माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को पूर्ण रूप से हरा भरा करने के संबंध में जो वृक्षारोपण का एक जनआंदोलन चलाया है और हमारे जीवन में खुशहाली को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस जनआंदोलन चलाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके लिए ताली बजाई जाए। हमारे पूरे प्रदेश में 27 करोड़ है जी, 25 करोड़ पौधों का रोपण हो रहा। आपको मालूम होना चाहिए, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि वृक्ष हमारे लिए कितने जरूरी है। आज अगर हम लोगों को पर्यावरण की वजह से ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ रही है, समय से बरसात नहीं होती है, जितना भी परेशानियां हो रही हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने वृक्ष को काटा तो है लेकिन वृक्ष को लगाना नहीं सीखा। आज हम लोग सब लोग यहाँ से एक एक प्रण लेके जाएं। हम सब बच्चों से अनुरोध करते हैं कि अपने घर के आंगन में, अपने बगीचे में, जहां भी वो संभव हो सके कम से कम 5 वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल करें। वृक्ष लगाना ही सब कुछ नहीं है, वृक्ष लगाने के बाद उनका संरक्षण करना, जैसे कि हम लोग अपने घर में बच्चों को पालते हैं उसी तरह हमें वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। जब तक वृक्षों का संरक्षण नहीं होगा और हमारी पृथ्वी हरी भरी नहीं होगी तभी तक हम लोगों को विभिन्न आपदाओं को झेलना पड़ेगा और हम लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। साथियों, ये कार्यक्रम आप सब लोग जानते हैं कि लकड़ी या वन हमारे लिए कितना उपयोगी था। पहले हम लोग अपने खेत पे कोई भी ऐसा किसान नहीं होता था जो अपने खेत पे मेड़ों पे कम से कम पेड़ न लगाता हो क्योंकि उसे लकड़ी की आवश्यकता होती। आज लकड़ी की आवश्यकता कम हो जाने की वजह से हमारे किसान साथियों ने भी पेड़ लगाना बंद कर दिए हैं। पेड़ सिर्फ लकड़ी के लिए नहीं, कि पेड़ हमारी जलवायु के लिए, पर्यावरण के लिए सबसे आवश्यक चीज है। आप सब लोग काफी देर से धूप में बैठे हुए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप माता की बहुत बहुत धन्यवाद और ये आने वाला भविष्य इन बच्चों की ऊर्जा से ये आज पूरा महोबा जिला मैं नमन करता हूँ इस आला उद्यम की इस ऐतिहासिक भूमि को। आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक आदरणीय राकेश गोस्वामी जी जो छात्र राजनीति से निकलकर आप सबके बीच में जनप्रिय लोकप्रिय नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, हमारे अभिभावक और हमारे मित्र भाई ब्रजभूषण जी के पिताजी आदरणीय गंगाचरण राजपूत जी, हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।